के पास एक एसेट स्टोर है जहाँ से हमें मल्टीपल टाइप के वेरिएंट्स और मटेरियल्स आराम से मिल जाएंगे। हमें कोई एक्सटर्नल प्लगइन का यूज नहीं करना ये पड़ेगा। सीखेंगे। जबकि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मटेरियल कैसे अप्लाई होता है, मेशेस क्या होते हैं, किसी 3D ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे। इन चीजों को गो थ्रू करने के बाद हम रेडियस तक जैसे हम ग्लो करना या उसको पॉप करना। अगर मैं इसके हायरार्की में इसके ट्रांसफॉर्म इंस्पेक्टर मोड में जाऊं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रियल टाइम और मेरे पास इंटेंसिटी आ रहा है। और मैं अगर थोड़ा सा व्यू करूँ तो एक स्फेयर बन रहा अगर है। आप इसको लाइक चाह रहे हो कि जूम इन करना है, जूम आउट करना, स्क्रॉल व्ही अप करोगे तो जूम इन, स्क्रॉल व्ही पीछे करोगे तो जूम ऑल्ट आउट। ऑल्ट ऑल्ट नहीं करके, ऑल्ट सिर्फ राइट क्लिक में, जब आपको लेफ्ट क्लिक करके सीन में प्ले रोटेट करना करना है है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रोटेशन को चेंज करूंगा। मैं एक्स एक्सिस पे इसकी रोटेशन को कर दूंगा 90, लेकिन मेरी बॉल कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो मैं मैं थोड़ा इसे इसको सेलेक्ट सेलेक्ट करता करता हूँ तो यहाँ पर ये मैं देख सकता हूँ मेरा एक टॉप करके मटेरियल सेलेक्ट हुआ है। हूँ। पास मल्टीपल मेरे पास प्लैंक्स हैं तो मैं हर एक पे जाकर इसको ड्रॉप करूंगा। हम देखेंगे कि हम खुद के मटेरियल्स कैसे बनाते हैं, इस चीज को भी हम सारी जो सीखेंगे। भी हमारे पास लाइब्रेरीज लिखी आ रही है बेसिकली ये कहलाती है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज मीन्स जनरेट होगा कि लाइक आपके थर्ड नंबर, जैसे मैंने 2 + 2 किया तो एक 2 ए में जाके सेव हुआ, दूसरा 2 बी में जाके सेव हुआ। अब जब 2 और 2 + होंगे तो क्या होगा, उसको मैं सेव किधर कराऊं, एक अलग वेरिएबल में। तो मैं एक सी का भी है, यानी मैं टोटल 3 वेरिएबल्स बनाऊंगा इसको यहाँ क्या होगा पर। कि a+b को प्लस करो, ऐड करो और जो मेरा आंसर जनरेट होगा वो होगा 5। अब मुझे 5 को सेव किधर कराना है, यूजर से सी पूछना में। है कि कितनी बार उसको अपने टेक्स्ट को प्रिंट करना है और उसको अपने टेक्स्ट में क्या प्रिंट कराना है, कौन सा टेक्स्ट लाइक बेसिकली उसे प्रिंट कराना है। तो मेरे पास 2 आ गई, यानी एक स्ट्रिंग में आएगी और एक इंटीजर में। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग में लूंगा void, ये मेरा एक बेसिकली वो है डेटा टाइप है, ठीक है। स्टैटिक void में कर देता हूँ कैट, ये फंक्शन बना दिया मैंने और इसकी बॉडी बना दी। इसके अंदर मैंने जंप इसको भी कर सके तो मैं फ्लोट पे इसे बोलूंगा जंप पावर, तो पब्लिक ग्रेविटी सॉरी पब्लिक फ्लोट में करेंगे हम फ्लोट। फिर इसको मैं बताऊंगा कि ग्रेविटी भी एक चीज है। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को? 9.8 मशीन मशीन पे पर डाल डाल दूंगा दूंगा कि कि जो जो यूजर यूजर डाले डाले उस उस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आप आप चेंजेस चेंजेस कैरेक्टर कैरेक्टर कंट्रोलर कंट्रोलर में में कर कर दो। दो। ये सबको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पता है क्या कर रहा है, कोई बताएगा मुझे बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? डेटा टाइप्स को बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं इनके अंदर कॉन्टेक्स्ट। यूनिटी रजिस्ट्री और एक इन प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक और चीज आ रही है माय एसेट, मैं माय एसेट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर लाइक ये बेसिकली सारा कुछ रन करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास और भी बेसिकली हैं यहाँ पर पैकेजेस, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पैकेज आ गया है यहाँ पे रीड। सो अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम हर एंगल से पिक्चर्स रूम की ले लेंगे और इसे पॉलीकैम में लाइक एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक आ जाता है लिडार, आप लोग को सबको एक कैमरा नजर आ रहा है, एक छोटा सा कॉर्नर सा, ये बेसिकली एक 3D स्कैनर है जो कि iPhone 12 Pro Max के बाद आना शुरू हुआ। 11 में नहीं है ये, लेकिन 12 Pro Max के अरे बाद ये फ्लोर सही कैमराज लग आ रहा है, अभी अंदाजे से बना रहे हैं ठीक है, कुछ पता नहीं है, मैं किसी स्कैन का यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो एक बार स्कैन को इंपोर्ट करके दिखा देते हैं। अब रहे मुझे हाँ मैंने भेजा है, अब मैं स्कैन को जरा चेक करूँ, मैं ड्रैग करूँ अपने सीन के अंदर तो ये मेरा स्कैन आ गया। सेटिंग्स के अंदर मेरी जो रेंडर मोड रेंडरिंग मोड है मेरा उसे मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, देन जो मेरा कलर है एल्बिडो का उसे मैं कर दूंगा ब्लैक और ट्रांसपेरेंसी को कर दूंगा उसके अंदर। हैं।